हरियाणा के सिरसा के पास डेरा सच्चा सौदा मुख्यालय की तलाशी अभियान रविवार को पूरा हो गया है। तलाशी अभियान का ये तीसरा दिन था। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर 3 दिन तक ये सर्च ऑपरेशन चला। सर्च के लिए डेरे को 10 सेक्टरों में बांटा गया था और पिछले 2 दिन में 8 सेक्टरों की जांच की जा चुकी थी और रविवार को 2 सेक्टरों की जांच कर लिए जाने के साथ ही काम पूरा हो गया। तलाशी के दौरान शनिवार को परिसर के अंदर 2 खुफिया सुरंगें और अवैध विस्फोटक कारखाने का पता चला। हरियाणा सरकार के प्रवक्ता सतीश मिश्रा ने बताया कि डेरा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अस्पताल के कामकाज में हो रही धोखाधड़ी का भी पता चला। यहाँ बिना लाइसेंस के स्किन क्लिनिक चलाया जा रहा था और गैर कानूनी तरीकों से स्किन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता था। मिश्रा ने बताया कि डेरा परिसर के अंदर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसे अब सील कर दिया गया है, तो वहीं गुफा में साध्वियों के कमरे तक जाने का एक खुफिया रास्ता भी मिला। तलाशी के दौरान डेरे के अंदर प्लास्टिक बनी भी मिली है जो बाबा के द्वारा चलाई जाती थी। साथ ही भारी मात्रा में 500 और 1000 के पुराने नोट बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान पता चला कि लखनऊ में GCRG मेडिकल कॉलेज में डेरे की तरफ से 14 डेड बॉडी देने का भी आरोप है। 8 सितंबर से शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन अब शांतिपूर्वक ढंग से पूरा हो चुका है और इस सर्च ऑपरेशन में सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की टीमों ने अपनी रिपोर्ट रिटायर्ड जिला एवं सत्र न्यायाधीश व कोर्ट आयुक्त अनिल कुमार पवार को सौंप दी है और यह रिपोर्ट वे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को सौंपेंगे। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।